ये जो फैसला है जॉब करने का, हम चाहते हैं कि तुम फिर एक बार इस पर ठीक से सोच विचार कर लो। निनाद मामा, क्या विराट अपनी बीवी को डॉक्टर बनाने के फैसले के बारे में एक बार और सोच विचार करेगा? और विराट अपना फैसला बदल भी ले तो क्या सई मानेगी? सई अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर घर में बैठने को कभी राजी नहीं होगी। और उसने विराट से शादी भी इसीलिए की थी ताकि विराट उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सके। पत्रलेखा बिल्कुल सही कह रही है बहन, मैं तो अभी भी कहूँ सारी गलती विराट की, उसी ने इस जंगली लड़की को अपने सर पे चढ़ा के रखा। तर्क है, अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या बोले। मैं कह रही हूँ जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, घर की सुख शांति पीस खो गया है। मैं आज से ही एक अच्छी जॉब ढूंढना शुरू कर देती हूँ। ठीक है पत्रलेखा, अगर सही घर से बाहर जाकर पढ़ना चाहती हैं तो तुम्हें भी तुम्हारा हक मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बड़ी मामी, मैं जानती हूँ आप किसी के साथ भेदभाव कर ही नहीं सकती, और मैं किसी से अपना मुकाबला कर ही नहीं रही। बड़ी मामी, मेरे लिए ये परिवार और इसकी इज्जत हमेशा सबसे ऊपर थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अश्विनी, तुम कहाँ गायब हो गई थी इतनी देर से? मैं तो अपने कमरे में ही थी वहीनी। मैंने सोचा आप और आपके देवर मेरी बुराई करते होंगे तो क्यों मैं खामखा आपको डिस्टर्ब करूं। ये आप क्या कह रही है अश्विनी मामी, मैं पूरे टाइम यही थी और किसी ने भी आपके बारे में एक बात भी नहीं की। पत्रलेखा, अपनी अश्विनी मामी से बोलो कि उसके इस घर में इतनी अहमियत है भी नहीं कि उसके पीछे उसके बारे में बात करे। मेरी अहमियत तो मैंने देख ली भाभी, आपकी बहू ने सबको चाय बांट दी सिवाय मेरे। अश्विनी मामी, आप मुझे दिखी नहीं बस इसीलिए, वरना मैं आपके लिए चाय तो जरूर लाती। पत्रलेखा, किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अश्विनी, पत्रलेखा तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो वो तुम्हारे कमरे में आए और तुम्हारी फरमाइशें पूछे। अरे खुद में और पत्रलेखा में जो फर्क है वो तो नजर आता ही होगा ना तुम्हें। ये एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, मास्टर्स की डिग्री है इसके पास, तुम्हारे पास कहाँ तक पढ़ी हो तुम? मामी, आपकी चाय। नहीं पत्रलेखा, मैं तुम्हारे हाथ से चाय नहीं पी सकती क्योंकि तुम एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं 12वीं पास। अब 12वीं पास की ऐसी हैसियत कहाँ कि वो उस लड़की के हाथ से चाय पिए जिसके पास मास्टर्स की डिग्री हो। अश्विनी मामी, मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई अपनी डिग्री का घमंड नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से आप मुझसे बात करती हैं, मुझे ताने मारती हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है आपको मुझसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। और मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी इन हालातों से समझौता करके मैं यहाँ रह ही रही हूँ ना। समान परिवार के सारे नियम सारे कायदे मानती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझसे। रुको पत्रलेखा, कोई कितना भी ऊंचा पत्थर उछाले फिर भी वो जान को नहीं लगेगा। तुम किसी की बातों से अपना खून क्यों जला रही हो? पत्रलेखा, अश्विनी छोटे खानदान से है, इसे तो अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए। उसकी शादी मुझसे हुई और सवान खानदान जैसे बड़े खानदान की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसे। हाँ निनाद, मैं तो बहुत खुश होती हूँ, रोज अपनी किस्मत पे नाज करती हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला जिन्होंने मेरी पढ़ाई आधी अधूरी छुड़वा दी। वरना तो मैं बहुत पढ़ी लिखी होती, अपने पैरों पे खड़ी होती, स्वाभिमान से जिंदगी जीती। वहीनी, तेरी देवा ये क्या कह रही है आप और क्यों कह रही है?
कौन है इस घर में जिसने आपका स्वाभिमान छीन लिया है? अरे ये घर तो हम सबके लिए मंदिर टेंपल पूजा घर की तरह है, हो ना हो? हाँ, आपकी परेशानी क्या है? हर रोज आप किसी ना किसी बात पे दादा के साथ या बहनी के साथ बहस क्यों करती हैं? इसकी सिर्फ एक परेशानी है, इसकी परेशानी हूँ मैं। लेकिन मुझे भी एक बात की परेशानी है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। बहनी, आपको रोकने वाला कौन है, पूछिए ना। तुमने तो कहा था कि विराट और सई कुछ भी बिना खाए गए हैं। हम लोग सब बाद में खाते हैं, उनको आने दो, सब साथ मिलके खाते हैं। अभी दिन क्या, रात के खाने का समय हो गया है, लेकिन फिर भी उनके आने का कुछ अता पता है ही नहीं। जब इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा मैं तुरंत आपको दे दूंगी। मुझे भी फिक्र हो रही है ये दोनों अब तक क्यों नहीं आए। आने दो उन्हें, मैं खुद उनसे पूछूंगी। और इसके पूछते ही सही इसे सब बता देगी, जैसे हमेशा बताती है ना? देवा, जरूर सही ने फिर से गड़बड़ कर दी होगी, वरना लौटने में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। लीजिए, जिन्हें याद कर रहे थे वो दोनों आ गए। इन्हीं से सुन लेते कि ये कहां गए थे पूरा दिन। कॉलेज में एडमिशन कराने गए थे या उसकी इमारत खड़ी करने गए थे? ये कोई वक्त है लौटने का? मस्त मस्त, सुबह इतना बड़ा बखेड़ा करके गए थे और अभी गुब्बारे लेकर वापस आए हैं। आखिर तुम और तुम्हारी बीवी वापस आ ही गए विराट। बड़ी मामी के कहने पर मैंने तुम्हें फोन भी किया था, लेकिन एक रिंग बजकर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया था। घर वाले तो बस पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे तुम दोनों के मिसिंग कंप्लेन लिखवाने की बस। तो तुमने सबको याद नहीं दिलाया क्या कि उनका बेटा खुद एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी बीवी के साथ बाहर गया था, खो नहीं गया था। और रही बात फोन की, तो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। सब लोग परेशान थे विराट, क्योंकि तुम बोलकर गए थे कि सई के एडमिशन के बाद तुम सम्राट के काम से जाओगे, लेकिन पूरे दिन फिर तुम्हारी कोई खबर ही नहीं थी। ना तुमने फोन किया, ना तुम्हारा फोन लग रहा था। और अब तुम दोनों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम पिकनिक से वापस आ रहे हो। विराट, पत्रलेखा का सवाल जायज है, तुम्हें अंदाजा भी है टाइम क्या हुआ है? हाँ काकू, 7:30 बज रहे हैं। देर शाम हुई, देर रात तो नहीं। वाह विराट, इसकी देखा देखी तुमने भी अपनी काकू से जबान चलाना शुरू कर दिया। काकू, एक दिन थोड़ी देर से आए, इतनी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं? विराट, आईपीएस ऑफिसर बने हो, खुद को अपने बाप का बाप समझने लगे हो? बोलो मत, सरकार से आज भी पेंशन मिलती है मुझे, के टुकड़ों पर नहीं बोलता मैं। बाबा, आप सब कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? और अगर पति पत्नी बाहर घूमने चले भी गए तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं अकेली तो नहीं गई थी ना, पूरे टाइम विराट सर के साथ ही थी, फिर इतना क्यों भड़क रहे हैं? और वैसे भी हम बस थोड़ी सी देर के लिए कुछ खाना खाने रुके थे, इसमें इतना बड़ी बात क्या हो गई? अरे विराट, चुप करो अपनी बीवी को, ना तो इस लड़की के बारे में कोई बात कर रहा है और ना ही कोई करना चाहता है। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया उमी काका जो आप मुझसे? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, बकवास बंद करो ये, मुझे पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। ये लीजिए, लीजिए। सही, सही।
किसी भी आम परिवार की तरह दिखने वाला ये जवान परिवार दरअसल एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। जवान निवास की चार दीवारियों में लोग हंसना खुश रहना भूल चुके हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं इस खुशी इस हंसी के कातिलों से। ये है इस उदास और गमगीन गिरोह की सरगना, इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये आखिरी बार कब मुस्कुराई थी। हाँ तो काकू साहब, आखिरी बार आप खिलखिलाकर कब हंसी थी? सर बस रहो। हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने हमें धुतकार दिया है। कोई बात नहीं, हम आपको इस गिरोह के दूसरे सदस्य से मिलाते हैं। ये है निना चौहान जी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान से ही लोगों की हंसी खुशी का कर सकते हैं काम तमाम। हाँ निना जी, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सामने शीशे में देखा हो और वहाँ खुद को गलती से हंसता मुस्कुराता हुआ देख लिया हो? आप बकवास है ये। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निना चौहान को हंसना मुस्कुराना लगता है बकवास। पत्र लेखा जी, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि इस सनसनीखेज खुलासे में आप मिर्च मसाला डालकर तड़का लगाना चाहेंगी या फिर ऐसे ही चुपचाप खड़ी रहेंगी? बोलिए। तुम दोनों घूरने वाला गेम खेल रहे हो? सही और पतले का घूरने वाला गेम खेल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि सही जीतेगी और पत्रलेखा हारेगी, क्योंकि सही है तो सही है। सही जीतेगी, पत्रलेखा हारेगी, सही जीतेगी। अरे ये देखिए, इनसे मिलिए, आपको मिला दें देवी ताई से, इस घर की एक लौती सदस्य जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर हंसी और खुशी की रक्षा की है। देवी ताई, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने हंसना मुस्कुराना और ऐसे खुशियां बांटना कहां से सीखा? बोलो। हाँ बिल्कुल बोलिए। देवी यानी अभी के अभी अपने कमरे में जा। देवयानी, मैंने एक बार कहा ना, सुनाई नहीं देता, जा। All the best. Thank you. आबा के जाने के बाद आज पहली बार मैं दिल से खुश थी। मैं ये खुशी आप लोगों के साथ बांटना चाहती थी, आप लोगों को बताना चाहती थी कि हम लोग कहाँ गए, हमने क्या क्या किया, लेकिन नहीं, आप लोग के चेहरे तो हमेशा लटके ही रहते हैं, जिसे पता नहीं सबकी अपनी अपनी इलायची की डिब्बी घूम गई हो। लेकिन गलती आप लोगों की नहीं है, इस परिवार में ही ऐसा कुछ है कि यहाँ कोई खुश रह ही नहीं सकता। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि सही तुम्हारा बहुत अच्छा दिन गुजरे। और गुजरे भी क्यों नहीं, तुम्हारा हनीमून पीरियड जो चल रहा है। लेकिन तुम अपनी खुशी में शायद ये भूल गई हो कि इस घर का दूसरा बेटा मेरा पति सम्राट लापता है। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा? विराट, क्या बात है बेटा, तुम लोग घर इतनी देरी से क्यों लौटे? हाँ आई, वो कहा तो था लेकिन फिर मैंने सोचा कि सई को थोड़ी देर घुमा के लाऊं।
शायद उसे अच्छा लगे तो। फोन था ना तुम लोगों के पास तो बता देना चाहिए था ना। हाँ आई पर वो क्या, अरे कहीं से तो फोन करके बता सकते थे ना। आई बाकी सबकी तरह आप भी हमसे गुस्सा है? मैं गुस्सा क्यों ना हूं, आखिर सबकी सुननी तो मुझे ही पड़ती है ना। मैं भी नाराज हो सकती हूँ, मैं भी सुना सकती हूँ, और आज तुम्हें मेरी सुननी होगी। सही देखो, सही कभी कभी ना इस परिवार के कायदे कानून नियम पे भी चलना सीखो। तुम जानबूझ के ऐसे क्यों करती हो जिसकी वजह से इस परिवार के बड़े तुमसे नाराज हो? ऐसे तो कुछ नहीं सिखाया था ना आबा ने। आई आप मुझे डांट रही है और खुद रो भी रही है। ये तो अपनी किस्मत पर रो रही है जिसे तुझ जैसी बहू मिली, जो खुद बिगड़ेल तो है ही, इसके बेटे को भी बिगाड़ रही है। काकू, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जिसके लिए आप सही पर मुझे बिगाड़ने का इल्जाम लगा रही हैं? काकू, मैं उसे थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने ले गया था, बस बस। वाह विराट वाह, आज सुबह सुबह इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके गई है। दो दिन से तुम छुट्टी पर हो, इस लड़की के लिए अपना फर्ज अपनी ड्यूटी छोड़कर इसे घुमाने लेके गए हो, इतना लेट वापस घर आए हो और हम ही से कह रहे हो ये घुमाने ले गया था बस। विराट, जवान खानदान के बहू बेटियां 7 बजे के पहले पहले घर वापस आ ही जाती हैं। करिश्मा को ही देख लो, चाहे वो कहीं भी जाए 7 बजे के पहले उसके कदम घर में वापस पड़ जाते हैं। मैं इस घर के नियम जानता भी हूँ और मानता भी हूँ, और आज सही अकेली नहीं थी ना, मैं भी साथ में था, इसीलिए आज एक दिन के लिए मुझे लगा कि हमारे इस घर के नियम की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक तुम्हारी बीवी का सवाल है, ये तो तुम भी जानते हो कि इस जंगली बदतमीज और बेवकूफ लड़की को इस घर के कायदे नियम मानने में कितनी तकलीफ होती है। आप लोगों को दूसरों पर इल्जाम लगाने में मजा आता है, और ये क्या है, बेवकूफ बदतमीज जंगली मुर्गी, ये अलग अलग नाम देने का आपको शौक है क्या? आप लोगों के इल्जाम तो खत्म ही नहीं होते, और इतने इल्जाम आप लोग लाते कहाँ से, और लाते हैं तो लाते रखते कहाँ पर है, कोई स्टोर रूम है? राय का पहाड़ बनते तो मैंने सुना था, लेकिन आप लोग तो राय जीरा सौंफ जो मिलता है उसका पहाड़ बना देते हैं। आप लोग विराट सर से कितने सवाल पूछते हैं? विराट तूने छुट्टी लेकर सही का रिजल्ट क्यों चेक किया? विराट सही को एडमिशन दिलाने की इजाजत ली क्या? विराट सही को बाहर घुमाने क्यों लेकर गए? ओफो, और मुझसे तो आप लोगों को कुछ खास ही चिढ़ है। मैं कुछ भी बोल लूं आप लोगों को मेरे खिलाफ ही जाना होता है। मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो मेरे लिए कोई खुश नहीं हुआ, मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गई तो आई को छोड़कर मुझे किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, और आज जब मैं एडमिशन लेके वापस आ रही हूँ तो आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि सही तुझे एडमिशन मिला भी है कि नहीं। सही नहीं विराट सर, हम लोग जब से आए हैं ये सब हम पर निशाना ताने हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गोली की जगह सवाल दाग रहे हैं। ये घर घर नहीं है, ये जेल खाना है, जेल खाना। मेरा ना यहाँ दम घुटने लगा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक खुड़गेली, सबको सुनाकर कहाँ जा रही है ये?
लगता है तुम्हारी बीवी को इस घर में सबके साथ नहीं रहना विराट। उसे अपनी जिंदगी में दखलंदाजी पसंद नहीं है शायद। तुम्हें उसके लिए एक नया घर ले लेना चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।